खुदा इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में साल 2024-25 के लिए एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। यहाँ बेहतर एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट्स एक्टिविटी, स्मार्ट क्लासरूम, कल्चरल एक्टिविटी और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। यहाँ क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस टीचर्स हैं जो कमजोर बच्चों का खास ख्याल रखते हैं। पिछले 15 सालों में खुदा स्कूल से काफी होनहार बच्चे पास आउट होकर समाज में अपना मुकाम हासिल किया है। हाजी उमर मूसा एजुकेशन ट्रस्ट द्वारा संचालित खुदा इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड जूनियर कॉलेज ऑफ आर्ट्स साइंस आईटी एंड कॉमर्स आईटी एट 5th निजामपुरा अपोजिट राम भवन होटल भिवंडी। रोशिद भाई, एक न्यूज चली थी जिसमें बताया गया था कि कांग्रेस पार्टी ने 7 सीट कंफर्म कर दी है महाराष्ट्र में, मुंबई में, जिसमें से एक भिवंडी की है, इसके ऊपर क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आप सभी लोगों, सभी भिवंडी वासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाई देता हूँ, मुबारकबाद पेश करता हूँ। भी आपने जो सवाल किया, पूरा देश जानता है ये कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी कभी भी किसी भी कैंडिडेट का ऐलान नहीं करती। लिस्ट जब जारी होती है, लिस्ट ऑफिशियल निकलती है, वही उसका ऐलान है। और अभी तक तो फॉर्म भरने का काम अभी खत्म हुआ है। इतनी जल्दी 7 सीट का कहां से फाइनल हुआ, मैं समझ नहीं सकता। और वैसे भी मीडिया में जो कुछ चलता है, आप सभी लोग जाते हैं कि लोगों का विश्वास जो है मीडिया से उठ चुका है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से। जी, तो अब तक क्या कहना है कि अब तक की पार्टी ने कोई कैंडिडेट को कंफर्म नहीं? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कोई कैंडिडेट का ना डिसीजन हुआ है ना ऐलान हुआ है। भिवंडी से तकरीबन 12 लोगों ने जो है कांग्रेस वेस्ट की, कांग्रेस भिवंडी वेस्ट की जो सीट मांगी कांग्रेस पार्टी से, इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? देखिए, 12 नहीं 18 लोग हैं वो शायद, 18 लोगों ने भिवंडी वेस्ट से कांग्रेस की उम्मीदवारी मांगी है। और बाद में जो है प्रोसेस चलने के बाद जो भी फैसला होगा होगा, वो फैसला है। इस बारे में आपका क्या कहना है कि मतलब इतने सारे कैंडिडेट जो एक कांग्रेस पार्टी में, मतलब भिवंडी वेस्ट में है, मौजूद है, डिजर्विंग है? देखिए, डिजर्विंग एक अलग चीज है, लेकिन ये बताता है कि सबसे ज्यादा पॉपुलर जो है यहाँ पर कांग्रेस पार्टी है। बाले मामा ने पिछले दिनों जो है एक बयान जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी का कोई जनाधार नहीं है और ये सीट जो है ये एनसीपी को मिलनी चाहिए। देखिए, उस बयान पे मैं बहुत चर्चा नहीं कर, मेरी मुलाकात हुई उसके बाद बाल्या मामा से, और उनका टारगेट किसी और तरफ था। लेकिन मैंने उनसे जब ये पूछा कि कांग्रेस का जनाधार के बारे में आपने कुछ कहा है, उन्होंने क्लियर मुझसे कहा कि ये मेरी गलती हो गई, मैं वहाँ से बात खत्म कर दी है उस चीज। विलास पाटिल कांग्रेस में शामिल हुए, एक वक्त था उन्होंने कांग्रेस को तोड़कर जो खुद मेयर बने थे, वो दोबारा कांग्रेस में शामिल हुए जी, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, क्या ऊपर जाके शामिल हुए, मुझको पता तो नहीं अभी तक इसके बारे में कि वो कांग्रेस में शामिल हुए हैं कि नहीं हुए हैं। नहीं तो सब चला, लेकिन है। लेकिन न्यूज वगैरह में देख के मालूम पड़ा है कि ऊपर जाके पार्टी में शामिल हुए। तो अगर पार्टी उनको टिकट देती है तो फिर पार्टी कैसे देगी? ये सब पार्टी का हाईकमांड का वो है। और कांग्रेस पार्टी एक बड़ी पार्टी है, उसमें लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन उनको टिकट मिले ऐसी कोई गारंटी नहीं है। हमने ऊपर कई लोगों से मुलाकात की है और कहीं से भी उनके टिकट का कंफर्मेशन नहीं। पर अगर उनको टिकट, और मैंने पहले ही कहा कि कांग्रेस पार्टी जब तक लिस्ट जारी नहीं होगी तब तक किसी का टिकट कंफर्म नहीं है। अगर उनको टिकट मिल जाता विलास पार्टी को, जो कि देखा जा रहा है काफी, क्यों ऐसा अभी ईपट वाली बात क्यों कर रहे हैं आज हमको? जब वो वक्त आएगा, अभी मैं तो कहता हूँ मैंने भी उम्मीदवारी मांगी है और सबसे मजबूत दावेदार आज कांग्रेस पार्टी में मैं ही हूँ। मेरा बायोडाटा देखेंगे, मेरा बैकग्राउंड देखेंगे तो सबसे मजबूत दावेदार मैं हूँ। मैं तो चाहूंगा कि टिकट मुझको ही मिलेगा और सब लोग मेरा काम करेंगे। अच्छा रजीत भाई, अगर समझो चुनाव आए तो कांग्रेस पार्टी की सीधी टक्कर किससे होगी? कांग्रेस पार्टी की सीधी टक्कर किससे होगी चुनाव में? भिवंडी वेस्ट की देखिए, आज की तारीख में कोई टक्कर दिख नहीं रही है। आज की तारीख पूरा वन साइडेड इलेक्शन होगा। आप जो है बीजेपी में वैसे ही जूतम पैदल चालू है, उसमें अंदर काफी झगड़ा चल रहा है, तो कोई हमारे सामने कोई मजबूत बहुत लड़ाई नहीं है। से आते हैं तो खालिद गुड्डू एमआईएम से आते हैं तो, क्योंकि पिछली बार उन्होंने 54 वोट दिए थे। खालिद गुड्डू आज तो है नहीं यहाँ पर। अगर और बट वाली बात क्यों कर रहे हैं आप लोग? चुनाव है, राजनीति है, नहीं मैं कुछ नहीं कह सकता, कोई भी आएगा। लेकिन आज जो है ना, लोग आज राहुल गांधी की लीडरशिप पे यकीन करते हुए कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। पूरा जनाधार कांग्रेस का है।
बिल्कुल, क्या कहेंगे, आपने भी जो है पार्टी की उम्मीदवार फॉर्म भरा है, ह्यूमन बेस्ड, क्या क्या आपकी किस तरह की तैयारी, थोड़ा सा बताइए। देखो, हमने इसके लिए फॉर्म भरा है कि राहुल गांधी जी ने बोला है कि महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा और महाराष्ट्र में एक मुस्लिम चाहिए विधानसभा के अंदर, और ये भिवंडी शहर मुस्लिम का है, आबादी ज्यादा है यहाँ पे, माइनॉरिटी। देखो, कांग्रेस जो पार्टी देगी टिकट हम उसका फैसले का आगे करेंगे, लेकिन हमने एक महिला के हिसाब से भर दिया। कांग्रेस ने यहाँ पे भिवंडी शहर में मुस्लिम माइनॉरिटी को जगह देना चाहिए, माइनॉरिटी का शहर, कोई कांग्रेस में हर आदमी को मांगने का ये है, लेकिन माइनॉरिटी को जगह देना चाहिए। तो आपकी मांग रहेगी मुस्लिम महिला की मांग रहेगी, तो अगर समझो आपको टिकट मिल जाता है, आप मुद्दों पे जो है आप लोगों से बोल रहे। देखो, आप तो देखा है भिवंडी में बावजूद सब जगह घूम घूम के देख रहे, आज भिवंडी की हालत इतनी बुरी है कि कोई काम नहीं है, गली गली में जाके देखो, रोड देखो, सड़कें देखो, हॉस्पिटल देखो, आज हमारे महिला उधर जाके देख रहे, गली गली में सब देख रहे, कुछ तरीके जनता को खुश करने।